काफी मुसलमान भाईचारा और भी भाईचारे, सिख भाईचारा, हिंदू भाईचारे मिलजुल के राम जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति को तहस नहस करने वालों का नाम और निशान मिटना चाहिए और राम जी की धरती पे राम जी की पुकार करनी चाहिए। वो मेरे सपने में आए, कहते इस बार तू अयोध्या के पीस बना, तो मैंने ये पीस उनकी सोच के अनुसार उनके कहने पे ये पीस डेवलप किया। मैं देश के प्रधानमंत्री जी और न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारी भावनाएं समझी। जी, हम एस साइज से लेके ट्रिपल एक्सएल तक बना रहे हैं, एस एम एल एक्सएल डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल। गुरु नानक साहब ने बाबर को जाबर बोला था, तो मैं समझता हूं कि बाबर को जाबर जिसने हमारे 3300 मंदिर, हमारी संस्कृति को तहस नहस किया मुगलों ने, तो आज वो मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला जी विराजमान होंगे 22 तारीख को। वो मेरे सपने में आए, कहते इस बार तू अयोध्या के पीस बना, तो मैंने ये पीस उनकी सोच के अनुसार उनके कहने पे ये पीस डेवलप किया। तो कितने कलर्स में आपने ये बनाया? जी, हम 5 रंग में इसका माल बना रहे हैं। कौन कौन सा रंग? इसमें सबसे ज्यादा भगवा रंग बन रहा है, भगवान के वस्त्र का रंग पीताम्बर है वो रंग बन रहा है, एक मस्टर्ड कलर बन रहा है, एक व्हाइट बन रहा है और एक लाल रंग बन रहा है। तो मतलब कि साइज सबके लिए एक जैसे लग रहा साइज? जी, हम एस साइज से लेके ट्रिपल एक्सएल तक बना रहे हैं, एस एम एल एक्सएल डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल। तो करता है कितना की लोग डिमांड करे, कितने ऑर्डर है, क्योंकि अभी श्री राम भक्तों में काफी उत्साह है जो मंदिर पर भी समाप्त हो जाए, तो कैसे ऑर्डर आता है? जी, ऐसा है, मेरा सबसे पहले लिंक ही सारे स्पिरिचुअल है और मेरा फोन ही नहीं बंद हो रहा, मुझे ऑर्डर श्री राम जी की इतनी कृपा है जितनी मैं सोच भी नहीं सकता, ऑर्डर पे ऑर्डर ही है। ये आपके सामने अभी भैया आए हैं, ये भी ऑर्डर लिखवाने आए हैं। कितना माल बिक चुका है, कितने ऑर्डर आ चुके हैं? काफी माल जा रहा है जी, डेली माल बन रहा है, डेली बोरा लग रहा है और जा रहा है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आमतौर पे होली सीजन है, तो इसके अलावा और भी धार्मिक बनाते हैं कि यही से बना रहे? जी, मैं और स्वेटर बनाता था और सिर्फ दिसंबर के महीने में कटरे के लिए बनाता था बस। तो अभी क्या कहना चाहेंगे राम भक्तों को, क्योंकि राम भक्तों में काफी उत्साह है, तो कोई राम भक्त भी अगर आते होंगे तो कहते होंगे भाई हमें भी हर पैसे ना होगी, मंदिर कमेटियां भी होंगी? जी, बहुत बहुत मंदिर कमेटियां, संस्थाएं, समितियां, संघ, वो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्हीं की डिमांड पे ये मैंने माल बनाया। कहाँ कहाँ जा रहा है आपके? ये माल अयोध्या जी जा रहा है, दिल्ली बहुत जा चुका हुआ है, पानीपत गया है, जलंधर गया है, कपूरथले गया है, हर शहर में जा रहे हैं। तो आइडिया हो कब तक कितना बना चुके हो, कितना ऑर्डर आ चुका है, एडवांस है? देखो, डेली ऑर्डर आ रहा है और जितना बनता है डेली निकल जाता है, डेली चला जाता है। तो भी कुछ भक्तों को राम भक्तों क्या करते हैं? जी, राम भक्तों और राम प्रेमियों के लिए जो राम प्रीति है ना, हमारा ये नहीं है कि हमने पैसे ही कमाने हैं, हम खुद रात को बस पे 12 पीस भी छोड़ने चले जाते हैं, कोई 12 पीस मांगता है तो हम 12 भी छोड़ने चले जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, वो उनका बहुत योगदान है, तो क्या कहते हैं? ये कुछ प्रेरणा उनसे भी मिली है, इधर नरेंद्र चंचल जी और इधर नरेंद्र मोदी जी, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ओजस्वी हैं, तपस्वी हैं, इन्हीं से प्रेरणा मिली है, वो इतना विशाल कार्य कर रहे हैं, तो हम तो ये तिल फूल है हमारा ये काम। जय श्री राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधान साहब का, जिन्होंने जो राम भगत है तो जिन्होंने स्वेटर बनाई है उनका मैं पहले धन्यवाद करता हूँ, दूसरा मैं देश के प्रधानमंत्री जी और न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारी भावनाएं समझी, क्योंकि आज से 500 वर्ष पहले गुरु नानक साहब ने बाबर को जाबर बोला था, तो मैं समझता हूँ कि बाबर को जाबर जिसने हमारे 3300 मंदिर, हमारी संस्कृति को तहस नहस किया मुगलों ने,
तो आज वो मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला जी विराजमान होंगे 22 तारीख को, तो मैं समझता इससे बड़ी दिवाली हमारी ये लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि 1858 में भी हमारी न्यंग फौजें वहां पे गई थी जिन्होंने राम जी की बात कही थी, क्योंकि गुरु नानक साहब के रस्ते पे चलने की बात की थी। गुरबानी कहती है ना ओ मरे ना ठागे जाए जिनके राम वसे मनमाए, हमें राम जी की कृपा से सभी को, क्योंकि मैंने देखा है काफी मुसलमान भाईचारा और भी भाईचारे सिख भाईचारा हिंदू भाईचारे मिलजुल के राम जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति को तहस नहस करने वालों का नाम और निशान मिटना चाहिए और राम जी की धरती पे राम जी की पुकार करनी चाहिए। जय श्री राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और आज आपने ऑर्डर दिया, सबसे पहले आप कितने स्वेटर बना रहे हैं? हजारें स्वेटर यहाँ पे बन रही है, तो हमने भी ऑर्डर दिया कि जितना हमारे समर्थता है हमारे अंदर, तो उतनी स्वेटर हम राम भक्तों को, गुरु नानक भक्तों को, हमारे समाज के लोगों के अंदर में बांटेंगे, क्योंकि ये पार्टीबाजी से ऊपर उठ के है, क्योंकि राम जी की धरती है, राम जी के यहाँ बैठे हैं, कहते हैं जिते जाहे बह मेरा सतगुरु सो थान सवावर राम राजे, हम राम राज की गल बात करते हैं बार बार। तो मैं सभी सिख भाईचारे को भी विनती करूंगा और दूसरे भाईचारे को भी विनती करूंगा इस उल्लास को अच्छे खुशी से मनाया जाए। तो आप लोगों को बांटेंगे क्या स्वेटर यहाँ से? बिल्कुल मुफ्त में बांटेंगे, जितनी हमारी समर्थता है, मैंने पहले बोला जितनी हमारी समर्थता है, हम अपनी कोशिश करेंगे ये स्वेटर हर घर पे पहुंचे। तो पार्टी की ओर से भी कुछ ऐसे कार्यक्रम है कि स्वेटर नहीं, ये पार्टी से ऊपर उठ के भाई, ये पार्टी के राम जी सभी के लिए है, कोई पार्टी तो अभी बनी है 100 साल कोई बनी होगी, कोई 50 साल में बनी होगी, राम जी तो पहले से हर युग में आते हैं, तो भगवान हर युग में आते, हमें पार्टीबाजी से ऊपर उठ के और उल्लास से मनाना चाहिए।